निर्देशक गजेंद्र यश छोत्री की फिल्म लाठी। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म लाठी की, जिसके निर्देशक हैं गजेंद्र सिंह छोत्रिया और राइटर हैं चरण सिंह पथिक। जयपुर राजस्थान के करौली जिले के गांव रौंसी के रहने वाले मशहूर कहानीकार चरण सिंह पथिक ने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों का मौजूदा दौर स्टार बेस्ड अधिक है। जब स्टोरी बेस्ड फिल्में बनने लगेंगी तो खुद ब खुद कहानियाँ रुपहले पर्दे पर नज़र आएंगी। फिलहाल कोई भी बॉलीवुड डायरेक्टर स्टोरी बेस्ड फिल्में बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। नींद नहीं आ रही क्या? पेंशन से घर कैसे चलेगा? दोनों बेटे कमाने की उम्र में घर पर बैठे हैं। पवन बेटा, तेरे पापा का गठिया का दर्द बढ़ गया इन दिनों। वो मैं दूध तू ले आया कर बेटा। बस बस माँ, बस इन घरेलू समस्याओं से मुझे दूर रखा करो। आज सुबह सुबह एक बहुत अच्छी बात हुई। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला तो फिर तुमने क्या मांगा? मैंने ये सब तो नहीं मांगा। तो फिर क्या मांग लिया तुमने? हिंदी फिल्म लाठी और हॉरर फिल्म कियारा के ट्रेलर और पोस्टर लॉन्चिंग इवेंट में मौजूद थे इसके राइटर चरण सिंह पथिक। इस मौके पर फिल्म लाठी के निर्देशक व नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर गजेंद्र यश छोत्री ने कहा कि राजस्थान की माटी की सौंधी महक में संस्कृति और सभ्यता इस कदर घुली हुई है कि खुद ब खुद नए नए आइडियाज़ आते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ की खूबसूरत लोकेशंस इतने कमाल की हैं कि किसी भी स्टोरी के मर्म को उकेर देती हैं। जहाँ तक अच्छी फिल्मों का सवाल है, सरकारी सब्सिडी से ध्यान हटे तो बने अच्छी फिल्में। फिल्म लाठी के लेखक चरण सिंह पथिक ने कहा कि राजस्थानी फिल्मों को छोड़कर देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। उन्होंने कहा कि शायद इसकी एक बड़ी वजह राजस्थानी फिल्मों के फिल्मकारों का मकसद या रुझान सिर्फ सरकारी सब्सिडी की तरफ होना है, इसीलिए ना तो अच्छी कहानी या स्क्रिप्ट पर मेहनत करते हैं और ना ही मोटे बजट की रुख करते हैं। शायद राजस्थानी फिल्मों के पिछड़ेपन की यही वजह है। चरण सिंह ने कहा कि वे पूर्वी राजस्थान के ग्रामीण कस्बाई अंचल में ही रहे, उसी अंचल और इलाके को अपनी कहानियों में चित्रित करते गए। एक पारिवारिक मार्मिक कहानी कहानीकार चरण सिंह पथिक ने बताया कि शॉर्ट फिल्म लाठी एक पारिवारिक कहानी है जिसका ताना बाना ख्वाबों के इर्द गिर्द बुन गया है। इसे नेशनल अवार्ड विनर गजेंद्र यश छोत्री ने डायरेक्ट किया है। इसमें मुख्य भूमिका में जयपुर रंगमंच के मजे कलाकार रमन मोहन कृष्णा त्रेय ने निभाई है। वहीं उनकी पत्नी का रोल जयपुर रंगमंच की ही कलाकार अनीता प्रधान ने प्ले किया है। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले सिद्धार्थ कुमावत व विशा पारासर भी खास भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग जयपुर के पानी पार्क इलाके में हुई है। इस फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे एक परिवार के सदस्य अपने अपने सपनों को पंख लगाने की जुगत करते हैं। निर्देशक गजेंद्र यश छोत्री की बात करते हैं तो इसके पहले उन्होंने राजस्थानी फिल्म भोभर और हिंदी फिल्म कसाई का निर्माण किया है। कसाई फिल्म ने तमाम फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और NSD के कलाकारों से सजी यह फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।